गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आईसीआईसी बैंक का डिजिटल करेंसी रजिस्ट्रेशन कैसे करें। गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप भी आईसीआईसी बैंक का डिजिटल रूपी डिजिटल करेंसी को रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो गाइस आपको इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे इंटर पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर नीचे आपको दो ऑप्शन नजर आते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्सेप्ट का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन है, आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है स्टार्ट रजिस्ट्रेशन, नीचे आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको गाइस यहाँ पे किस सिम से आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं आपको उस पर क्लिक करना है। चलिए मैं यहाँ पे सिम वन पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आता है वेरीफाई सिम, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा प्लीज वेट, आपको यहाँ पे दो चार सेकंड वेट करना है। वेट करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस फिर से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे कंटिन्यू है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपका जो सिम कार्ड है वो वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे नीचे आता है कंटिन्यू, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पे आपको एक स्क्रीन लॉक लगा लेना है, जैसे यहाँ पे पिन है, पैटर्न है, फिंगरप्रिंट है। चलिए गाइस मैं यहाँ पे अपना फिंगरप्रिंट लगा लेता हूँ। फिंगरप्रिंट लगाने के लिए आपको यहाँ पे नीचे है सेट ऐप पिन, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना फिंगर लगा देना है। फिंगर लगाने के बाद अब यहाँ पे प्लीज वेट आएगा, उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे अपना नाम डाल देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नाम डालता हूँ। मैं अपना नाम डाल दिया हूँ। डालने के बाद आपको यहाँ पर नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे गाइस शो कर रहा है कंटिन्यू टू सेट योर वॉलेट पिन, आपको अपना एक पिन बनाना पड़ेगा जो 6 डिजिट रहता है, आपको उस पिन को किसी को बताना नहीं है। चलिए उसके लिए आपको यहाँ नीचे कंटिन्यू हुआ, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे क्रिएट पिन का ऑप्शन आ चुका है, क्रिएट योर वॉलेट पिन, आपको एक अपना पिन बना लेना है। चलिए गाइस मैं अपना पिन यहाँ पे बना लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देखते हैं मेरा जो यहाँ पिन है मैं क्रिएट कर लिया हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जो आपका वॉलेट पिन है वो यहाँ पे सेट हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है। आपको यहाँ पे नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब गाइस आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे नीचे कंटिन्यू हुआ, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे गाइस देखते हैं आपका जो अकाउंट डिटेल है पूरा यहाँ पे शो कर जाएगा। गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरा बैंक अकाउंट है आईसीआईसी बैंक में नहीं है, इसलिए जो यहाँ मेरा डिटेल है यहाँ पे लिखा हुआ है अनेबल टू प्रोसेस, क्योंकि जो मेरा बैंक अकाउंट है वो मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में है। अगर गाइस आपका बैंक अकाउंट आईसीआईसी बैंक में है तो यहाँ से आपको आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा डिजिटल रूपी का। गाइस